नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं ग्रहों का स्वभाव एवं प्रभाव को लेकर। अभी तक हमारी बातचीत ग्रह परिचय को लेकर हुई थी। प्रिय दर्शकों, आज हम ग्रहों का स्वभाव एवं प्रभाव के बारे में जानेंगे। सूर्य, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जो कि नैसर्गिक बलि ग्रह है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है जिसका रंग लाल है, जो कि अग्नि तत्व का है। पुरुष ग्रह है ये अधिष्ठाता है आत्मा का। कारक है पिता का, राज्य का, शासन का, प्रशासन का, सोना, हड्डी, इन सब चीज़ों का ये कारकत्व रखता है। इस ग्रह का रत्न है माणिक। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, साथ ही साथ तुला राशि में नीच का होता है। अब हम सूर्य के स्वभाव को जानेंगे। सूर्य सबसे तेजस्वी एंड प्रभावशाली ग्रह है। नवग्रहों में ये राजा है। सूर्य के अंदर एक अधिकार की भावना होती है। अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप सूर्य को पसंद नहीं होता। जिन जातक की कुंडली में सूर्य बलि होकर शुभ प्रभाव में होंगे, उन जातकों में सूर्य के गुण होंगे। सूर्य और सूर्य से प्रभावित जातक पैसे से ज़्यादा नाम, इज्जत, प्रसिद्धि, ख्याति को अधिक महत्व देते हैं। बलवान सूर्य से प्रभावित जातक 1000 लोगों की भीड़ में भी एक अलग पहचान लिए हुए नजर आएगा। सब जानते होंगे कि यह व्यक्ति कौन है और इसका समाज में क्या वर्चस्व है। शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य बलि हो तो जातक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। शास्त्र का कथन यह है कि जन्म कुंडली में बाकी ग्रह खराब हों और सूर्य बलि हो, स्वग्रही हो या उच्च के हों, केंद्र में बलि हों, तो जातक सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वाधिक नैसर्गिक बलि ग्रह हैं सूर्य। चंद्रमा, चंद्रमा शुभ ग्रह है। अमावस्या कहो तो ये अशुभ ग्रह है। चंद्रमा का रंग सफेद है। जल तत्वीय ग्रह है चंद्रमा। स्त्री ग्रह है, मन का अधिष्ठाता है। माता का कारक है चांदी, मन, गेहूं, कपास, ईख, इन सब का कारकत्व चंद्रमा के पास होता है। मोती और चंद्रमणि चंद्रमा का रत्न है। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है एवं वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। चलिए चंद्रमा के स्वभाव को देखते हैं। चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा का स्थूल शरीर है, काले केश हैं एवं सुंदर नेत्र हैं। शरीर के रक्त पर चंद्रमा का अधिकार है। शुभ चंद्रमा अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान प्रदान करता है। चंद्र के अशुभ प्रभाव अस्थिरता और असहनशीलता हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा जातक को जल, दूध के साधन से आजीविका प्रदान कराता है। चावल पर भी चंद्रमा का ही अधिकार है। चंद्रमा जनता का प्रतीक है। चंद्रमा का स्वरूप नित्य परिवर्तनशील है। सारे ग्रहों में चंद्र सबसे जल्दी 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। हमारी जन्म कुंडली में जिस भी राशि में चंद्रमा होते हैं, वही हमारी जन्म राशि होती है। मंगल, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल क्रूर ग्रह है। मंगल का रंग लाल है। यह एक अग्नि तत्वीय ग्रह है। पुरुष ग्रह है, पराक्रम का अधिष्ठाता है। मंगल का कारकत्व साहस, भूमि, भवन, भाई, अग्नि, रक्त, ऊर्जा, इन सब के ऊपर होता है। मंगल का रत्न है मूंगा और मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि और साधारण राशि है वृश्चिक राशि। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। आइए अब मंगल ग्रह के स्वभाव के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह एक हिंसक, युवा, लाल, तेज स्वभाव वाला, गुस्सैल, दिलेर, साहसी, अपने मन की करने वाला, स्वतंत्र विचारधारा ग्रह है। मंगल ग्रह उग्रता के साथ साथ धैर्य के प्रतिनिधि माने गए हैं। मंगल जातक को दूसरों के सामने अपने को साबित करने में मदद करते हैं। जीवन में संघर्ष, तनाव का सामना करने की शक्ति एवं उग्रता हमें मंगल से ही प्राप्त होती है।
मंगल जिनका शुभ होता है वे जातक हमेशा आगे रहकर काम करना पसंद करते हैं, बिल्कुल सेनापति की तरह। ये किसी की भी बात को सह नहीं सकते, कोई बोल के निकल जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, जवाब नहीं दिया तो इन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। हार ना मानने की शक्ति एवं खून की ताकत मंगल से प्राप्त होती है। मंगल को युद्ध का देवता कहा जाता है। मंगल ऊर्जा का कारक है। जिन जातक की जन्म कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में होते हैं ऐसे जातक में भरपूर मात्रा में और लोगों से ज़्यादा ऊर्जा होती है। शुभ मंगल जातक को पराक्रमी बनाता है। मंगल की ऊर्जा जातक को एक तरफ अहंकारी और उग्र स्वभाव का बना देती है तो दूसरी तरफ दार्शनिक, वफादार, बहादुर एवं सामाजिक बना देती है। शुभ मंगल की दशा जातक को बेहद कामयाब बना देती है, वहीं अशुभ मंगल की दशा जातक से सब कुछ छीन लेती है। शुभ मंगल भी जातक के अंदर धैर्य की कमी पैदा करता है, ज़बरदस्त ऊर्जा देता है। जातक पराक्रम के लिए सदा तैयार रहेगा एवं लड़ने झगड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहेगा। मरने मारने के लिए ऐसा जातक तैयार हो जाएगा, अपने, अपनी परिवार एवं समाज के हित के लिए। धैर्य नाम की चीज़ नहीं होती है, यानी जो चीज़ तुरंत करनी है तो तुरंत करनी है। लेकिन मंगल का स्वभाव है ऊर्जा। अगर शुभ मंगल वाले जातक की ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऐसे जातक से सब कुछ कराया जा सकता है। ऐसा जातक जो चाहे वो बन सकता है अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना होता है कि पराक्रम के साथ सदैव एक समस्या, मेहनत के साथ सदैव एक समस्या होती है, विवेक की कमी। अगर ऐसे जातक का बुध अच्छा है, बलि है, राजयोग कारक है तो ऐसा कुछ नहीं जो वो जातक नहीं ले सकता। मंगल में शक्ति एंड ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि जिन जातक पर मंगल का शुभ प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, सह नहीं पाता। सूर्य में भी ऊर्जा है, मंगल में भी ऊर्जा है। सूर्य में जो ऊर्जा है उसमें कहीं ना कहीं एक सहनशीलता है, एक सीमा तक, क्योंकि वह राजा है, गंभीर है, वह सह जाएगा। लेकिन मंगल सेनापति है, ये लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, जवाब दिए बिना शांत नहीं रहेगा। आइए अब बुध के बारे में जानते हैं। बुध यानी कि कुमार। बुध एक शुभ ग्रह है जिसका रंग हरा है, पृथ्वी तत्व है। ज्योतिष शास्त्र ने बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह कहा है। ये वाणी का अधिष्ठाता है, बुद्धि, गणित, व्यापार एवं मैनेजमेंट का कारक है। बुध का रत्न है पन्ना एवं बुध की स्वराशि है मिथुन एवं कन्या। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। आइए बुध के स्वभाव के बारे में जानते हैं। बुध किशोरावस्था को इंगित करता है। बुध का शरीर की त्वचा पर अधिकार है। ये ग्रह विनोदी स्वभाव है, इसे हम आधुनिक भाषा में स्मार्ट कह सकते हैं। जिनका बुध कुंडली में शुभ होता है ऐसे जातक बुद्धि से बहुत स्मार्ट होते हैं। बुध के शुभ प्रभाव बुद्धिमत्ता, अच्छी स्मरण शक्ति है एवं अशुभ प्रभाव बुद्धिहीनता, नर्वस होना, कुतर्क करना है। बुद्धि, विवेक, लेखन, गणित पर बुध का पूर्ण अधिकार है। वाणी, वर्णन, बुद्धि की शक्ति बुध की देन है। पुस्तक, समाचार पत्र, टेलीफोन, मीडिया, टीवी, कंसल्टेंसी का काम पर भी बुध के क्षेत्र में आते हैं। बुध सफल व्यापारी है एवं व्यापारिक युक्तियां प्रदान करता है। बुध को मैनेजमेंट का कारक कहा जाता है। बुध से प्रभावित जातकों में व्यापारियों वाला गुण होता है एवं बच्चों जैसा स्वभाव होता है। इनका चेहरा स्त्रीयोचित कोमलता लिए हुए होता है। इनके स्वभाव में बालकपन देखने को मिलता है। अगर ये एक क्षण गुस्सा हैं तो अगले क्षण शांत हो जाएंगे एवं किसी बात का बहुत देर तक बुरा नहीं मान पाएंगे। तुरंत इनको लगेगा कि चलो हटाओ, जाने दो। जैसे मंगल क्रोध किया तो बदला लेने की सोचेगा, लेकिन बुध ऐसा बिल्कुल नहीं है। जलनशीलता भी देते हैं बुध। किसी चीज़ को पाने तक जिद करना एंड मिलने के बाद उससे अपना मन या दिमाग हटने लगने वाला स्वभाव भी बुध देते हैं। बाकी के सारे ग्रह जब सूर्य के प्रभाव में आते हैं तो अस्त होकर अपना प्रभाव कमज़ोर कर लेते हैं, लेकिन बुध ग्रह ऐसा है जब सूर्य के समीप आता है तो अस्त होने के बावजूद अपने प्रभाव में कमी नहीं लाता। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। ये सिर्फ 15 अंश तक उच्च का होता है। बुध दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, देव और राक्षस,
लेकिन खिंचाव सुखों की तरफ है क्योंकि यह बालक है। यह अपनी ही राशि में उच्च होता है। इसका कारण यह है कि बालक को जितनी छूट अपने घर में होगी वो कहीं नहीं हो सकती। मीन राशि में नीच होता है क्योंकि बालक गुरु के पास उदास होता है 15 अंश तक। ये ग्रह अपना प्रभाव तुरंत ही दे देता है। बुध को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। यज्ञ यानी कि भगवान विष्णु। यदि बुध जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी हो तो अति बलवान हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य बहुत जल्दी ही कुमार अवस्था को पा लेता है, इसी प्रकार बहुत जल्दी अपना फल दे देते हैं बुध। बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसी के अनुरूप बन जाता है। शुभ ग्रह के साथ शुभ प्रभाव एंड पापक ग्रह के साथ पाप प्रभाव। आइए अब गुरु के बारे में जानते हैं। गुरु देव गुरु बृहस्पति, ये सर्वथा शुभ ग्रह हैं। इनका रंग है पीला, आकाश तत्व के हैं, पुरुष ग्रह की संज्ञा में आते हैं, अधिष्ठाता ज्ञान के हैं। ये पुत्र पति धर्मकर्म सोना इन पर ये कारकत्व रखते हैं। इनका रत्न पुखराज है। धनु राशि और मीन राशि इनकी खुद की राशि है। कर्क राशि में उच्च के होते हैं एवं मकर राशि में ये नीच के होते हैं। गुरु के स्वभाव को जानते हैं। गुरु को बृहस्पति भी कहा जाता है। इनको सभी में सर्वोपरि का दर्जा प्राप्त है, इस वजह से इन्हें सात्विक ग्रह कहा गया है। ये ग्रह सदैव कल्याण करने वाला होता है एंड अशुभ होने पर भी खराब परिणाम बहुत कम देता है। गुरु उन्नति तथा विस्तार का प्रतीक है। गुरु जिस भाव में हो उसे एक गरिमा प्रदान करते हैं। गुरु पति के कारक हैं। गुरु शिक्षा हैं, गुरु ज्ञान हैं, पुत्र संतति के कारक हैं गुरु। गुरु से प्रभावित जातक सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। गुरु ज्ञान धर्म दर्शन का कारक ग्रह है। गुरु का अधिकार औषधि पर भी है, इस वजह से ये डॉक्टर तथा बायोलॉजी की शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु से प्रभावित जातक सदा ऊंचाई पर पहुंचने का सोचते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ये हर विषय पर बोल सकते हैं एंड अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। इनके चेहरे पर भव्यता रहती है, नूर रहता है एवं तेज रहता है। शुक्र यानी कि दैत्यों के गुरु, दैत्य गुरु, ये भी एक प्रकार के शुभ ग्रह हैं। इनका रंग सफ़ेद है, जल तत्व के हैं, ये स्त्री ग्रह हैं, वासना के अधिष्ठाता हैं, पत्नी सुंदरता फिल्म इंडस्ट्री के कारक हैं। इनका रत्न है हीरा या उपल। वृषभ राशि एवं तुला राशि इनकी स्वराशि है। मीन राशि में ये उच्च के होते हैं एवं कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। आइए शुक्र ग्रह के स्वभाव को समझते हैं। शुक्र ग्रह को दैत्यों का गुरु कहा गया है। शुक्र रंग बिरंगे कपड़े धारण करता है और बहुत सुंदर नेत्र वाला ग्रह है। शुक्र प्रेम सौंदर्य काम कला साहित्य संगीत पत्नी वैभव ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। शुक्र प्रभावित जातक बहुत ही सुंदर ढंग से रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, खाने पीने एवं सुगंधित चीज़ों के शौकीन होते हैं। आभूषण विवाह सुगंधित वस्तु पर शुक्र का अधिकार है। खान पान होटल इत्यादि का व्यवसाय शुक्र देते हैं। टेक्निकल शिक्षा के युग में शुक्र का संबंध सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ओर ले जाता है। शुक्र से प्रभावित जातक या जिनकी जन्म कुंडली में लग्न में ही शुक्र हैं, अगर पुरुष हैं तो वे आईना देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। एक बार अपने रूप को देखेंगे ही कि कैसा लग रहा हूं मैं, ये कराते हैं शुक्र। जातक की चाहत में भोग ऐश्वर्य विलासिता बस जाती है एवं जातक को बुद्धिमान बनाते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालना जानते हैं और चेहरे पर सुंदरता देखने को मिलती है। सजने संवरने के बहुत शौकीन होते हैं। स्त्रियों के समान सजने में विश्वास रखते हैं और अगर स्त्री है तो कहना ही नहीं, अति सुंदर होती हैं। ऐसा व्यक्ति एक बार देखने योग्य अवश्य होता है। चेहरे में तेज देते हैं और बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसे जातक शत्रुओं को अपने वश में कर लेते हैं और शाम दाम दंड भेद लगाकर परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लेते हैं। अगर मौका मिले और ज़रूरत पड़े तो ये छल भी कर लेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपसे छला जान भी नहीं पाएगा कि वो छला जा रहा है, ये भी कमाल है। आइए अब शनि के बारे में जानते हैं। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। यह पूर्णतः पापक ग्रह हैं। इनका रंग काला है, वायु तत्व के हैं, ये पुरुष ग्रह हैं, दुख के अधिष्ठाता हैं, मृत्यु नौकर तेल और लोहा के कारक हैं। इनका रत्न नीलम है। मकर राशि एवं कुंभ राशि इनकी स्वराशि है। तुला राशि में ये उच्च के होते हैं एवं मेष राशि में ये नीच के होते हैं।
चलिए शनि ग्रह के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सारे ग्रहों में शनि सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है। शनि जनतंत्र, आयु, वृद्धावस्था, विलंब बाधा के कारक हैं। जमीन के नीचे मिलने वाली वस्तुओं पर शनि का अधिकार है। जन्म कुंडली में शनि कठिनाइयों, निराशा, कार्यों का विलंबित होने का कारण बनता है। शनि को पंगु यानी कि लंगड़ा कहते हैं। यह दुर्बल, काला, लंबा, काला वस्त्र धारण किए हुए तामसी प्रवृत्ति का कहा गया है। आयु, मृत्यु, अपमान, बीमारी, लोहा आदि का विचार शनि से किया जाता है। श्रम, दंड, न्याय पर शनि का अधिकार है। शनि का तेल, पेट्रोल, लोहा, स्टील पर अधिकार है। शनि कठिन परिश्रम का सूचक है। सेवक, दास, नाइट ड्यूटी शनि के भाग में है। शनि अध्यात्म का भी कारक ग्रह है एवं शुभ अवस्था में जन्म कुंडली में शनि का होना जातक को अध्यात्म की ओर ले जाता है। शनि जब देने पर आते हैं तो सब कुछ देते हैं। शनिदेव का संबंध अगर लग्न से बने तो जातक नीचे से उठकर ऊपर तक जाता है, परंतु विलंब से जाता है, रफ्तार काफ़ी धीमी होती है। शनि का संबंध लग्न से बने तो जातक चाहता है वो होता ज़रूर है, परंतु तब होता है जब शनिदेव चाहें, मतलब काफ़ी विलंब से, क्योंकि शनिदेव आपको योग्य बनाते हैं। आइए राहु के बारे में जानते हैं। राहु एक प्रकार का पाप ग्रह है जिसका रंग नीला है। राहु का रत्न है गोमेद। कुछ लोग राहु को कहते हैं कि ये वृषभ राशि में उच्च का होता है, बाकी कुछ ज्योतिष कहते हैं कि मिथुन राशि में उच्च का होता है। इसी प्रकार कुछ कहते हैं कि वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है, तो कुछ कहते हैं कि धनु राशि में राहु नीच का होता है। राहु कन्या राशि को अपनी स्वराशि मानते हैं। चलिए राहु के स्वभाव के बारे में जानते हैं। राहु छाया ग्रह है, अतः जिस राशि में होते हैं उस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जिस ग्रह से प्रभावित होते हैं उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। राहु को शनिवत कहा जाता है। यह सबसे अधिक शनि के स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। राहु दशम भाव में बलि होता है। राहु का संबंध जातक के लग्न से हो तो जातक को जुगाड़ू बना देंगे और दशम भाव का राहु जातक को शासन प्रशासन में पकड़ वाला बना देता है। बनता हुआ कार्य अंत में बिगड़वा देंगे, क्रोधी और चिड़चिड़ा भी बना देंगे राहु। केतु। केतु भी पूरी तरह पाप ग्रह हैं। इनका रंग धुएं जैसा होता है एवं रत्न लहसुनिया होता है। मीन राशि को ये स्वराशि मानते हैं एवं वृश्चिक राशि एवं धनु राशि में ये उच्च के होते हैं, वृषभ राशि एवं मिथुन राशि में ये नीच के होते हैं। राहु की समान केतु भी छाया ग्रह हैं, अथा जिस राशि में होते हैं उस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जिस ग्रह से प्रभावित होते हैं उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। केतु को कुजवत भी कहा जाता है, यानी कि मंगल की तरह फल देने वाला। केतु को मंगल की तरह कहा जाता है। ये मंगल की स्वभाव फल प्रदान करते हैं, हमेशा राहु के सामने होते हैं, इसी वजह से इन्हें पाप ग्रह कहा जाता है। ये आकस्मिकता के कारक भी हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।